चित्तौड़गढ़ के कपासन में आबकारी विभाग के संयुक्त दस्ते ने कार्रवाई करते हुए सिहाणा गांव के एक मकान पर दबिश देकर 551 लीटर अवैध देशी शराब जब्त की। ये शराब 43 कार्टून में 2064 पौवो और जरीकैन में भरी हुई थी। साथ ही मौके पर 1600 खाली पौवे आदि उपकरण भी बरामद किए गए। मौके से आरोपी पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय आबकारी थाना के वृत्त निरीक्षक नंद किशोर ने बताया कि आबकारी आयुक्त शिव प्रकाश नकाते एवं अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रदीप सिंह सांगावत के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह राजपूत के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के गांव सिहाना में कार्रवाई की गई है, जिसमें चित्तौड़गढ़ कपासन और डूंगला थाने का संयुक्त आबकारी निरोधक दल ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की, जिसमें CI नंद किशोर, प्रहराधिकारी जगदीश राम विश्नोई एवं शीतल लाल मय जापता ने राशमी क्षेत्र के सिहाना गांव में कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहां प्रकाश पुत्र हीरा लाल सरगरा के मकान पर दबिश दी गई, जहां पर मकान में नकली अवैध शराब और पौवे भरे हुए थे। यहां पर 43 कार्टूनों में देशी शराब के 2064 पौवे भरे हुए थे। बिना होलोग्राम के यह पौवे थे। साथ ही 4 जरीकनों में 180 लीटर स्प्रिट से निर्मित नकली शराब भी बरामद की गई है। 7 प्लास्टिक के कट्टों में 1600 खाली प्लास्टिक के पौवे, 2250 RSGSM के लाल रंग के ढक्कन, 30 खाली कागज के कार्टून और 340 RSGSM के लेबल बरामद किए गए हैं। आरोपी पिता और पुत्र प्रकाश चंद सरगरा और महावीर सरगरा को गिरफ्तार कर दोनों अभियुक्तों से पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चित्तौड़गढ़ न्यूज। मैं आबकारी जापता के साथ में मुखबिर की सूचना पर गांव सियाणा में आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान हमको भारी मात्रा में जिसमें 43 कार्टूनों में 2064 देसी मदिरा अवैध प्राप्त हुई और 3 कार्टूनों के अंदर 3 जो ड्रम थे जरीकन उनके अंदर 50-50 लीटर अवैध शराब और एक जो 60 लीटर का ड्रम था उसके अंदर लगभग 30 लीटर अवैध शराब जब्त हुई। उसके साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और आगे का अनुसंधान जारी है और इसकी कार्रवाई की जा रही है।